राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट है और ये समोसा ब्रेड के साथ खाने में बड़ा ही मज़ेदार है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये 100 ग्राम इमली लिया है, 400 ग्राम गुड़ लिया है, एक बड़ा चम्मच नमक लिया है और 100 ग्राम आरारोट है, काजू है, सौंफ है, रेड ऑरेंज कलर होता है चटनी की, ये है। ये इसमें से एक दो पिंच डालना होता है, चाहे तो डालें ना चाहे तो ना ही डाल सकते हैं, देसी कलर आ जाता है एकदम। ये देखिए, हम एक पतीला लिए हैं और उसमें हमने आधा लीटर पानी डाल दिया है और ये जो गुड़ हमने लिया था वो गुड़ भी डाल दिया है। एक चम्मच ये बड़ा लाल मिर्च है, एक चम्मच इसमें नमक डालते हैं हम, यहीं पे एक छोटा चम्मच सौंफ है और काजू, काजू भी डाल सकते हैं आप, ये 10-12 पीस काजू है, चाहे तो आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं और एक पिंच रंग डालें हम, चाहे तो आप डालें या ना डालें, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। गुड़ को हम बढ़िया से गल जाने देते हैं, यानी कि मेल्ट हो जाने देते हैं। खट्टी मीठी चटनी का भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है। ये देखिए, हमने जो 100 ग्राम इमली दिया था उसको पानी में भिगो दिया था आधा घंटा पहले और उसका बीज छिलका सब निकाल के फेंक दिया हमने और इसमें उसका पेस्ट हमने डाल दिया है इमली का। इमली की चटनी बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए, हमने एक छोटा सा मग्गा में 2-3 चम्मच पानी दिए हम और इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम खाली अरारोट और इसको गाढ़ा ही, थोड़ा पानी में गाढ़ा घोलना होता है अरारोट। अरारोट से ही इसकी मोटाई, जो थिकनेस होती है वो मोटी होती है। चटनियों में अरारोट डालते हैं। ये देखिए 100 ग्राम का, और इसको जब एक खोलने लगे आपकी चटनी तो उसी में खोलने का टाइम ही डालते हैं। ये देखिएगा, इसके अब थिकनेस देखिएगा कितनी मोटी हो गई है और पहले बहुत पतला था, ये देखिए कितना मोटी हो गई है। तो इस तरह से चटनी बनती है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस तरह से बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपका चटनी कैसा बना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।